नियो जी बगड़ावत उसी समय पे केबा लाग जावे के दादा यही घड़ी यही बार अबारी जाना अपन रान मेरे रानी लावा बाका रावरी रे कलंक मेला से उतार उतार रे चाहे रान का राणा बड़ा होगा मन बड़ा से बेर करके सूरमा चाहे रण की सेज पे सोजावा चाहे धड़ पे नी रेवे शीश पर रानी भवानी तो वही लाना सत शक्ति को अवतार उतार रे या बात सुनता नयो जी कि सब भाई केवा लगा के चलो नया जी ने कहा छचू भाट जी आप घोड़ा ने श्रृंगारो बगड़ावता का भाट का छोचू कहीं तो बाबा भाट जी घोड़ा ने श्रृंगार बा लागो तो माता साडू सती स्वाई बहुत जती साडू सती मालूम पड़ेगी कि बगड़ावत आज कटे जा रहा है कहीं तो माता साडू गुजरी छचू भाट जी ने केवा आज छचू भाट जी तनवाई फेली कर रिया तम घोड़ा के ऊपर श्रृंगार बंसरा बाबा भाट मने कई दो साची आप कौन नगर में जा रहा हो जब छचू भाट जी केवा लागियो विचार करियो कि अगर ये कह दूंगा कि बगड़ावत राण नगर में रानी साए लेबा जा रिया तो साडू जी रण के घर में लड़ाई हो सके तो अपन थोड़ी सी नु कहता के खाली राण में जा रिया साडू जी राण में जा रिया मोह यानी मालूम काम कहीं है कणी काम से जा रिया है माता साडू देवर निया ने पास में बुलावे निया जी थोड़ा मारे पास में आओ नयो जी केबा लागो दादा मारी बाबी सा मन थोड़ो याद करे छे जय हो स्वाई भोज ने कहा कि सूरा जब रण में चढ़े नारी आड़ी नहीं फरनी छा नहीं तो सूरा का सुकन खोटा होवे जा अबार जार बेगो ठीक है दादा नया जी साडू गुजरी रे पास में जावे आर कई नयो जी बाबी साडू ने केबा लाग जावे कई सतवंती साडू सुने भाई कई बाता पढ़ी जावे अरे हाता वो जोड़ी कीनती हाँ एकरा बाबी सामानी वो हो करा कर भाभी सामारी ऐश्वर्या जी आप चारू जना आया हो या ना अबे नम नम तू ना गुनी वो ठाके गा करके आनंद ले रहे हैं और आप तो जो कथा में अभी वर्तमान में बात चल रही है उसी स्थान पर रहने वाले लोग आपके धन्य भाग है जो राजस्थान की धरती में स्वाई भोज महाराज के आसपास ही रहते हैं सवाई भोज महाराज की जय नया जी ने कहा
हाथा जोड़ी बिनती बाबी साडू जी नम नम लागू पाँव पाँव आपने कणबद्ध कर लिया माने याद या बताई दो माने साची बात साडू गुजरी या बात सुनता देवर नया जी ने कई केरी कई केवे आज तनुगत बर्बाद देवर लाडला आप कौन नगर ने जा रहे हो मने साची बात बताओ क्या हो नया जी ने विचार किया कि अगर अपन यूं कहेंगे कि रानी जयमंती ने रहने के लिए जा रिया तो भाभी साहब नहीं जावा देंगे थोड़ा सा अणी जाग नया वाजी झूठ बोल दिया कहीं घेर गया क्योंकि बगड़ावता ने मात्र अथेली में दारू झेलियो जरूर तो ऐसा बीड़ा बना करके उन्होंने पिया नहीं है ध्यान रहे नहीं तो वो अगर मद पीते तो उनके घर भगवान अवतार नहीं लेता और भगवान अवतार लेता जो लेता स्वाई भोज में इतना बड़ा मंदिर नहीं होता ध्यान रहे बगड़ावता ने मद नहीं पिया है परंतु उन्होंने मद खरीदी के और भिनाई के पर्वत में ढोला जरूर था राण भिनाई जब कहीं तो नयो जी थोड़ो झूठ बोल दिया भाभी साहब से अरे मदड़ा तू मीठाए बाबी मदड़ा तू मीठाए बाबी मदड़ा तू मीठा ये बनावे कलाली ओ बनावे पातू हो रे 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 उनी राणे नगर के माये बाबी लाली खरीदांगा मोगा बोल तो ये बाबी खरीदांगा मोगा ये बोल तो ये
और राजस्थान का ध्यान रहे। कारण एक है कि ई नाचे जदे अपने थोड़ो भी नहीं नाचा, वो कारण यह है कि बड़ो अच्छो लागे आना को नृत्य और आपनो फिर अलग सही सही। जब उसी समय नयो जी खेबा लागो कि भाभी सा मत मीठा बना पातुड़ी कलाड़ी बने राण नगर के माही, मत खरीदांगा मोंगा मोल का उनी पातुड़ी कलाड़ी के द्वारे जाई। भाभी सा सुन लो मारा मन की बाते, माता साडू गुजरी केवा लागी आप शंकर जी के भक्त हो और आप मद खरीदने की बात कर रहे हो, आपको अगर मद की जरूरत है तो राण में मत जाओ और आप वैसे भी भोलेनाथ की भक्ति करते हो, आप मद कहाँ पीते हो कि नहीं भाभी साहब चालू करा। साडू तो सती थी साहब, उन्हें सब मालूम थी, 6 महीना आगे पाछे न गया तो थो कि कहाँ जा गया है। माता साडू गुजरी फिर भी ऊपर के भाव से कह रही कि अगर आप नहीं मान रहे हो तो ऐसा करो वो राण के मद का नाम छोड़ो कि फिर मौला खेड़िया करे मामा दामा गाडू दिए मन बुलाई तू हे कला। हाँ साडू गुजरी कह रही मऊआ खेड़ी का मऊड़ा, मऊआ ही बोलो नी, और पियर का बुलाई दू कला। ये चनन चौक में भट्टी लगा रे तू के सबर सोना रे वाली नाल दादाजी की आगे। मत जा रे बे रण रण दे मन जा रे बे हां मत जा रे मेरे रात के मत जा रे बे रानी मानो मानो नी माँ की बात नहीं देव नारायण भगवान की जय। आओ देवर। हाँ मऊआ खेड़ी का मऊड़ा मंगाड़ दू पियर का बुलाई दू कल्लाल। हाँ चनन चौक में भट्टी लगाड़ दू सबर सुनना की ना नाले पर राण नगर का जाबा छोड़ दो मान लो मारी बात। वहाँ तो बांस की नलिया में मद उकड़े है, यहाँ सुनना की नाल लगाड़ दू उना में मद उखलाड़ दू परंतु राण का जाना छोड़ दो। नया जी केबा लागा भाभी सा थारा पियरा कल्लाल दारू ने खाटो बना, मीठो दारू तो वही बनाती है पातुड़ी कलाली। जय हो हम उनके ही द्वारे जावांगा। यदि कही तो साडू गुजरी के देवर फिर आप मद लेने के लिए नहीं जा रहे,
मुझे पक्का विश्वास है कि आप भगवान शंकर के भक्त हो और आप मद ने पीना तो दूर की बात, जिंदगी में एक बार श्री शिवाई भोज ने छुई जरूरत हो परंतु पिया नहीं है। अच्छा के हाँ के सुनो मारी बात, आप सत्य सत्य कहो। नया जी ने विचार किया कि कब तक झूठ बोलना, जब अपने पानी में रहना और मगर से कब तक डरना। तो इसी प्रकार एनाज घरे रहनो और अपनी भाभी सास से झूठ बोला तो बुरी बात है। नया जी सत्य कह रहे हैं, कई नया जी कह और कई साडू गुजरी सुने सुने। अरे बचन कर लियो स्वाई बोज ने, हाँ ये रानी ने ले बाबो कारण में तो जावा ए बाबी मारी जावो। निवेदन करूंगा जो भक्त मंदिर परिसर से बाहर खड़े हैं वो सभी यहाँ साइड में आकर के बैठ जावे। देव नारायण भगवान की जय। नेवा जी ने कहा भाभी साहब माने और दादा सबई बोज ने वचन किया है, क्योंकि रानी भवानी जब लगन यानी विवाह होता है तो टीका नारियल देते हैं, वो टीका नारियल भी हमारे द्वार भेजा। फिर सर्वप्रथम स्वाई भोज ने तोरण मारा और तोरण मारने के बाद में वो रानी भुवानी उन्हीं खांडा चंद्रवती खांडा के साथ में फेरा खा गई है। तो ही कारण मां रानी ने लेवा जा रिया, क्योंकि हमने वचन किया है वो निभाएंगे चाहे धड़ पे शीश नहीं रेवे। जय हो साडू गुजरी तो सची थी या अने सब मालूम पड़ रही थी कि बगड़ावता का दिन हो रहा नहीं दोरा आया है, क्योंकि इनका बहुत अच्छा समय है। परंतु अगर ये रानी भुवानी ने लावेगा तो गोठा नगरी उजड़ हो जाली और पूरा परिवार वंशज मिट जाएगा और मैं अकेली रह करके क्या करूंगी। हे भोला नाथ लाज राग जेरेना वंश की जोड़ू दोनों हाथे साडू गुजरी। उसी समय देखो जो है कहीं तो नया देवर ने केवे कि देवरिया उन घर आपको व्यवहार है वह बड़ा घरा की बात है। राणा जी ताका फागड़ी पलटन भाई है और आप भी वणा का भाई हो और वणा की नारी लावो तो आची कोनिया बात मान लो ध्यान लगाए होरा कान करके सुन लो देवर लाडला तू सुन ले ध्यान लगाए जद नयो जी के नहीं भाभी उन्हें लाना। जब कई माता साडू समझा रही और कई देवरियो ध्यान रहे जो साडू गुजरी ने अपना परिवार के बचाने के लिए जितना प्रयास किया आजकल की कोई माता बहन नहीं कर सकती। जय हो
और जो साधु जी ने भक्ति करी इतनी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता इस कलयुग के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने ऐसी भक्ति करी कि गोदी में माला सर डोंगरिया कमल के पुष्प में भगवान ने उनकी गोदी अवतार लिया। ये बड़े, क्योंकि भौज भगड़ावत नहीं रहता तो साडू सतवंती नहीं आती, और साड़ी साडू सतवंती अगर नहीं रहती तो भगवान देव नारायण जी कमल के पुष्प में अवतार नहीं लेते। और स्वाई भोज महाराज अगर भगवान भोलेनाथ की भक्ति नहीं करते तो आज उनके साक्षात दरबार में बैठ करके आप और हम सब यो सत्संग नहीं करता, ध्यान रहे। जय हो। ये भोज की भक्ति को प्रतीक है कि आज आप और हम सभी बैठे हुए हैं। बोलिए सवाई भोज महाराज की, साक्षात सवाई भोज के दरबार में। जब माता साडू की प्रकार के देवर नया ने समझा रही है, ये परणो तोरे पर नहीं दूरे देवर, हाँ सब भाई नारा दो दो जी नारे परण तोरे परण दूर देवर, हाँ सब भाई के दो दो नारे जी श्री सवई भोज महाराज की जय।
उसी समय माता साडू गुजरी केवा लगी परणो तो परणे तू देवर लाडला सब भाई के दो दो नाल ए चेन परिया की चाल और गढ़ मथुरा की नारी और मारा पियर का परिवार में परना तू छोटी बहन परंतु वन रानी भवानी ने मतलब देवरिया मान लो मारी बात जब बगड़ा बत नयो जी कई खेबा लागे थारा पियर की गुजरिया होड़ा होड़ा होगरा खा रानी तो वही लाना भाका राव की बाबिशा सुन लो ध्यान लगाइए काचो दमोड़े राबड़ो बाबिशा उनाने नीलावा सुन लो मारी बात जब निया जी केबा लगिया कि फिर बाबिशा आप निया अगर मान रही हो फिर भी जावा रानी तो वही रूप की कामनी है तो माता साडू बोली कि फिर रानी का रूप कैसा है या तो बता यदि कहीं तो नहीं हो जी केवे रानी रा रूप रा बकान करे कई माता सती साडू सुने बाबी सा होने भी सा